दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के रमापति शास्त्री जी, जो कि नगर निकाय चुनाव के प्रभारी हैं, और यहां अभी इन्होंने एक मीटिंग को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं में एक नई जान सी फूंक दी। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कितनी सक्रिय है, ये किसी से छुपा नहीं है। आइए इनसे जानते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या है भाजपा की तैयारी। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा क्या रणनीति बना रही है? भारतीय जनता पार्टी संगठन के अनुसार काम करती है, और संगठन के साथ काम करते करते हर प्रकार से हर व्यवस्था की तैयारी हमारी पूरी हो गई है। जवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अनुसूचित के बीच में, और सारे लोगों से मिल करके सारी व्यवस्था करके हमारी तैयारी पूरी हो रही है। सर, सभी का एक सवाल है कि टिकट को लेकर क्या पैमाना रहेगा और ये कहाँ छलकेगा? ये भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन के हिसाब से काम करती है, और संगठन के साथ बैठे करके टिकट तय कर देगी। हमारा जो टिकट होगा वही हमारा प्रत्याशी होगा, वही हमारा व्यवस्था होगा और सर्वमान्य होगा। सर, वो बताइए कि कई कार्यकर्ताओं को जैसे टिकट नहीं मिल पाता है, तो वो इस चुनाव को लेकर क्या कयास लगा रहे? नहीं, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है, मांगने का अधिकार सबको है, मांग रहे हैं, और सबका संकल्प है कि जिसको मिल जाएगा उसको लड़ाया जाएगा। जैसा भी मीटिंग में सुनाई पड़ा कि युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, युवाओं को लेकर आने वाले दिन के लिए नौजवान ही तो आगे आएगा, संगठन भी देखेगा, व्यवस्था भी देखेगा, इसलिए नौजवानों को आगे बढ़ाने की हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक व्यवस्था है, करते हैं। तो सर, जीत के लिए पूरी तरह से युवाओं में जो बिगुल फूंक दिया गया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता जानती है कि डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है, नगर पालिका मिल जाएगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी हमारी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। भी ऐसी लहर चल गई है, ऐसी हवा चल गई है, जो इस आंधी में आएगा वो समाप्त हो जाएगा। सर, कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? और कार्यकर्ताओं से यही आग्रह है कि आने वाले दिन के लिए देश में राम राज्य की व्यवस्था करने के लिए, सबको एक साथ मिला करके चलने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ और काम करें। तो देखा आपने, प्रभारी जी ने ये बहुत बड़ी बात कही कि डबल इंजन की सरकार इस चुनाव के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। पूरा आत्मविश्वास है भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव को लेकर, और सीतापुर की जो सीट है वो भी निकालने के लिए पूरी तरह से कार्यकर्ता तत्पर हैं। युवाओं में जो जोश है वो कहीं छिपा नहीं है, और भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा भी ये कहा गया कि युवाओं को साथ लेकर चलें भी ही समझदारी है, क्योंकि युवा जिधर जाता है वहाँ नए परचम लहरा देता है। खैर, चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।